अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का। ये इसके मैंने लेग पीस लिए हैं खाली, तो इसमें चलें मसाला डालते हैं और इसको मैरिनेट करके रखते हैं। तो आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। इसमें दही डाल लें आप 3 टेबलस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और चिकन टिक्का मसाला मैंने लिया है ये शान वालों का, हाफ डालेंगे। बाद में फिर चेक करके डालेंगे, अगर थोड़ा होगा तो हल्दी ऐड करते हैं, जो पाएंगे ना स्पाइसी अच्छा लगता है। तो डाल लें आप इसमें सोया सॉस, और मैं ये आपको बता दूं कि मैंने इसको पहले धोया है विनेगर के साथ, सिरके के साथ। अब हम इसमें 1 लीमू डालेंगे, ये 2 कर ली मैंने, 1 लीमू को 2 हिस्सों में इसको निचोड़ लेते हैं। अब ये मसाला हमने लगा लिया इनके ऊपर, इनको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। अब हम इनको पहले स्टीम देंगे अपने ये जो चिकन मैरिनेट किया है, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर इसको हम ऐसे गैस डालेंगे तो ये हो सकता है कच्चा रह जाए, इसलिए इसको पहले स्टीम देने से ये गल जाएगा। अब हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम देना है, उसके बाद हमने इसकी बीच में साइड भी चेंज करनी है, हल्की आंच पे रखते हैं। ये स्टीम दे के ऐसे नज़र आते हैं, तो अब हम इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म करना है, और उसमें हमने ये जो स्टीम दी है हाथ से खा लेते हैं, ठंडे हैं, इसको ऐसे हमने फ्राई करते जाना है। ये फ्राई हो चुके हैं, हमने अब इसको निकाल लिया डिश में, फिर सर्व करके आपको दिखाते हैं। चिकन टिक्का लेग पीस रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। I got nothing to hide.